नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो स्टडी हेल्प और मैं हूँ सचिन। दोस्तों, राजस्थान पुलिस का जो फैसला है वो कोर्ट में चला गया है, ये सच है या झूठ दोस्तों, इसी वीडियो में यही बात बताने वाला हूँ दोस्तों, पूरी सच्चाई बताने वाला हूँ दोस्तों। कुछ इसको अफवाह कह रहे हैं तो कुछ सही कह रहे हैं, ये मैं डाउट है वो क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए और बगल में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए, जिससे क्या होगा, जैसे मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊँ राजस्थान पुलिस के बारे में तो सबसे पहले आप वीडियो देख सकते हो अपने फ़ोन पर। तो सब्सक्राइब नाउ, और अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक के बटन पर क्लिक करके लाइक कर दीजिए। दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों राजस्थान पुलिस कोर्ट में चला गया है फैसला है, वो पेपर लीक मामला था वो कोर्ट में चला गया है। दोस्तों ये मैंने कल भी आपको बता दिया था ऑफिशियल नोटिस के द्वारे। दोस्तों ऑफिशियल नोटिस मैंने लेकर आया था कल कि यहाँ पे इस तारीख को सुनवाई है सारी, मैंने उसमें आपको बता दी थी, तो वो वीडियो आप देख लीजिए, आपको यकीन हो जाएगा। और उस वीडियो के बाद भी आपको यकीन नहीं होता है तो आप जो हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर आप देख सकते हो। राजस्थान हाईकोर्ट आपको सर्च करना है गूगल पर और आप वहाँ पर जो वेबसाइट है वो नीचे आ जाएगी और आप उसको ओपन करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा, तो उस पर आपको राजस्थान पुलिस का जो जानकारी है उसके वकील वगैरह लिखकर आपको जो आपके सामने सारी जानकारी मिल जाएगी कि राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल की जो पेपर लीक है वो सच्चे हैं झूठ, सारी जानकारी सुनने मिल जाएगी कि इस तारीख को सुनवाई है, सिंगल बेंच में सुनवाई है, सारी जानकारी उस वीडियो में मिल जाएगी। तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी सारी जानकारी और मैंने वीडियो बनाया वहाँ पर भी आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि ये जो फैसला है वो कोर्ट में चला गया है वो सच है। दोस्तों फैसला है वो चला गया है दोस्तों कोर्ट में और जो है सुनवाई है वो जल्द होने वाली है। दोस्तों तो ये फैसला है वो किस वजह से चला गया है कोर्ट में, तो ये मुकेश राम जाट की तरफ से चला गया है। मुकेश राम जाट ने ये केस में लगाई है दोस्तों, ये फैसला लेकर चले गए हैं वही, तो सनब मोतीराम जाट यानी कि मोतीराम के पुत्र मुकेश राम जाट ने ये राजस्थान पुलिस का जो फैसला है पेपर लीक प्रकरण उसको कोर्ट में लेकर चले गए हैं। तो ये किस वजह से हुआ, जो फैसला है वो कोर्ट में चला गया, ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि आपको पता ही होगा कि कोटा में जो पेपर है वो लीक हो गया था और इसी वजह से जो सेकंड वाली का पेपर था, सेकंड शिफ्ट का पेपर था, वो फर्स्ट शिफ्ट में बांट दिया गया था और इस वजह से ये फैसला जो फैसला वो प्रकरण मामला था वो सही तरह से DIG अगर नहीं कर रहे थे इसी वजह से कोर्ट में ले जाना पड़ा। और यही बात है कि जो पुलिस हैं पुलिस की तरफ से लापरवाही देखने को मिली थी और बाद में IG वगैरह का ही सही तरह से फैसला नहीं आ रहा है, इसी वजह से राजस्थान पुलिस को का फैसला है वो कोर्ट में चला गया, पेपर लीक मामला है तो इससे ये कोर्ट में चला गया है। तो ये साथ से दोस्तों आपकी सुनवाई जल्दी होने वाली दोस्तों, तो इससे संबंधित राजस्थान पुलिस से संबंधित यदि कोई मुझे और अपडेट मिलती है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए कि ताकि जो इनके मन में ये ख्याल आ रहा है कि कोर्ट में गया है फैसला या नहीं, उनको सारी कुछ जानकारी मिलनी चाहिए कि कोर्ट में जा चुका है फैसला और आपको जल्द ही बड़ी खबर देखने को मिलेगी कि जो भर्ती है वो वापस कराई जाएगी और फिर हो सकता है कि भर्ती मुश्किल लग रही हो, लेकिन पहले बताई जा रही थी कि भर्ती है वो फिर से होगी, भर्ती रद्द हो गई और पेपर है वो फिर से होने वाला है, लेकिन अब बताई जा रही है कि पेपर फिर से नहीं होगा पूरी तरह से, अभी तक माना नहीं गया है, अभी तक पता नहीं चला है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि IG ने परसों ही भेजा है नोटिस सभी को यहाँ पर कोटा वगैरह को कि आप जाँच कीजिए इस पेपर की, तो दोस्तों वो इसकी जांच करने में लगे हुए हैं कोटा वाले कि क्या पेपर लीक हुआ या नहीं, उनकी उन्होंने कहा है DIG ने कि पेपर क्या लीक हुआ या नहीं आप हमें सबूत के साथ भेजिए फिर हम कुछ फैसला लेंगे, तो अभी सर्च चल रहा है, रिसर्च चल रहा है उस पर कोर्ट फैसला में दोस्तों, और कोर्ट में जा चुका है फैसला तो कोर्ट से ही अपडेट मिलेगी नहीं। दोस्तों इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।